हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, चलिए ठीक है। माय नेम इज अल्केश सर, आराध्य क्लासेस सिटीएम। अभी हमने पार्ट 3 लास्ट टाइम देखा था, चैप्टर 2 का। आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 4 में जो बातें होने वाली हैं, उसमें पार्ट 3 का और मैंने जो लास्ट वीडियो बना के भेजा है, फैक्टराइजेशन, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो यदि आप पार्ट 4 देख रहे हैं तो उससे पहले प्लीज पार्ट 3 और बीच में एक फैक्टराइजेशन करके मैंने वीडियो डाला है, वो ये दोनों देखिए। उसके बाद ही आप पार्ट 4 को छूना तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? और दूसरा, 1000 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लाइव आने वाले हैं थोड़े ही टाइम में, ठीक है ना? चलिए, बाकी क्या हाल चाल? पढ़ाई हो रही है तगड़े से? देख भी क्या होता है, मैं जो आपको वीडियोस बना के भेजता हूँ तो आप कॉपी टू कॉपी, मैं प्रैक्टिस पेपर भी भेजता हूँ साथ में, आप क्या करते हो, मेरा कॉपी टू कॉपी बैठे का बैठा, जो मैं नोट्स भेजता हूँ PDF का, वो बैठे का बैठा भेज देते हो आप, है ना, लिख के। तो यार कॉपी ठीक है, कॉपी करो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कॉपी में भी अपना मतलब वो होना चाहिए ना, अपना तो कुछ होना चाहिए, अपना होगा तो लोग पहचानेंगे। तू मेरा कॉपी का कॉपी होमवर्क भेज रहा है तो कुछ अपना अंदर क्रिएट कर, अच्छा वाला। मैंने जैसा डिजाइन बना के भेजा है वैसा ही डिजाइन तू भेज रहा है, तो थोड़ा अपना भी अच्छा सा कीजिए, ठीक है ना? चलिए, बाकी पढ़ते रहिए। और जो लॉकडाउन में बच्चे आलस में निकालेंगे, उसकी हालत खराब होने वाली है। कोई आलस नहीं, जितना काम रोज मिल रहा है आपको उतना काम आपको रोज करना है, ठीक है? चलिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करके बता सकते हैं। अभी इस वीडियो के दरमियान मैं ड्यूरिंग दिस वीडियो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टू, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, हाँ, एक पोर्शन हमने आगे देख लिया है जिसको हम पार्ट 3 बोलते हैं। आज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का दूसरा पोर्शन है ना, पार्ट 4 में, ठीक है? इसके बीच में आगे सम्स कराऊंगा, तब एक बीच में सम मैं दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और उसके आंसर के नीचे आपका पूरा नाम भी लिखना है, सो आई कैन कम टू नो दैट कि भी आपने कितना तगड़ा किया है, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करें हम। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है देख लो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-6, फाइंड दी जीरोज बोला है। भाई मुझे पता है, जीरो फाइंड करने के लिए, हाँ बहुत अच्छी तरह से बताया सर, टू फाइंड जीरो, याद है आपको, जीरो होता था तो पी ऑफ एक्स कितना हो जाता था, जीरो, है ना? तो टू फाइंड जीरो टेक, या तो कीप पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो बोल 3x-6 इज इक्वल टू जीरो हो गया। अरे सिंपल है, जीरो फाइंड करना है ना, जहां पे भी बोला हो जीरो फाइंड करो, तो आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रख देना है, जीरो रख देना है। अब बोल 3x-6 इज इक्वल टू जीरो, 3x-6 आपने किया तो प्लस। अब बोल एक्स इज इक्वल टू 6/3 मतलब 2, दिस इज योर आंसर। बोल क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? चल दूसरा क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-16, ठीक है? इसमें भी बोला है फाइंड जीरो, फाइंड जीरो, तो भाई बोल क्या लिखूं? यस सर, लिखिए आप टू फाइंड जीरो, कीप पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये सब में लिखना है आपको। तो 4x-16 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। सो 4x इज इक्वल टू 16, -16 सामने गया, प्लस x इज इक्वल टू 16/4 तक, x इज इक्वल टू 4 तेरा आंसर आ गया, ठीक है? तो होशियार हो गया भैया। चल अब ये दिया है और बोला है फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज बोला है, तो मैं क्या करूंगा, अभी बोला है फाइंड जीरो, तो मैं क्या करूंगा, ax+b इज इक्वल टू जीरो ले लूंगा, क्योंकि क्या बोला हुआ है, टू फाइंड द जीरो कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो ax इज इक्वल टू -b, सो x इज इक्वल टू -b/a, दिस इज योर आंसर, है ना? ओके, एक और देखते हैं तगड़ा वाला क्वेश्चन, mx-n फाइंड जीरो, सो mx-n इज इक्वल टू जीरो,
एम एक्स इज इक्व टू एन, सो एक्स इज इक्व टू एन अपॉन एम. दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स, मतलब उसका वैल्यू एक्स का कितना आया, एन अपॉन एम. ठीक है, एक्स की एन अपॉन एम वैल्यू के लिए तो चेक कर ले इस क्वेश्चन में, वापस एक्स की जगह पे एन अपॉन एम रख ले, तेरा आंसर पी ऑफ एक्स का कितना आएगा, जीरो आएगा. समझ रहा है? तो ये है. हाँ देख ले, मैं एक और क्वेश्चन तेरे को देता हूं, टफ वाला क्वेश्चन कर रहा हूं. हाँ टफ वाला, चलिए भैया. फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस कुछ नहीं है सर, इज इक्वल्स टू जीरो. जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना है हमको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो रखना है. रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, इस तरफ जाएगा तो प्लस टू. एक्स इज इक्वल टू टू बाय रूट टू, भाई ऊपर टू है तो टू को ऐसे लिख सकते हैं रूट टू इन टू रूट टू, और अपन में रूट टू तो था ही, रूट टू कैंसल. भाई बोल तेरा एक्स का आंसर कितना आया, एक्स इज इक्वल टू रूट टू. समझ में आ रहा है? अब तू देख मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली में. थ्री एक्स माइनस सिक्स, फोर एक्स माइनस सिक्सटीन, ए एक्स प्लस बी, एम एक्स माइनस नाइन, ए रूट टू एक्स माइनस टू, इस सब कौन सा पॉलिनोमियल है दोस्तों? सर देखिए सबका डिग्री वन ही है, सबका डिग्री वन है. यहाँ पे वन है, यहाँ पे डिग्री वन है. मैक्सिमम डिग्री कितना है, वन है, वन है, है ना, वन है. सो दोस्तों ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, हाँ लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल में का जीरो मुझे एक ही मिल रहा है, देखिए एक जीरो मिल रहा है, एक जीरो मतलब एक वैल्यू मिल रहा है, टू एक वैल्यू मिल रहा है, फोर एक ही वैल्यू मिल रहा है, माइनस बी बाय ए, एन बाय एम एंड रूट रूट टू. ठीक है, देखिए जैसे कि एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको फिर से समझ में आए इसके लिए. पी ऑफ एक्स इज इक्व टू फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव, चलिए इसका जीरो फाइंड कीजिए. सर फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्व टू जीरो, सो ये फाइव एक्स इज इक्व टू ट्वेंटी फाइव, सो एक्स इज इक्व टू फाइव एंसर. हाँ ये फाइव नीचे जाएगा ना, तो फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव एंसर दे रहा है दोस्तों. कितना इजीली, कितना इजीली बोल, ये सारे कौन से पॉलिनोमियल हो रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल आई टॉकिंग अबाउट. ये तगड़ा क्वेश्चन है दोस्त. तो ए एक्स माइनस ए बी इज इक्व टू जीरो, ए एक्स माइनस ए बी इज इक्व टू जीरो. तो अब देख रूट ए एक्स को साइड में रख, माइनस ए बी सामने जाएगा तो प्लस ए बी, एक्स इज इक्व टू ए बी अपॉन रूट ए. ए को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ए इंटू रूट ए लिख सकता हूं, बी ओ से का ओसा, नीचे रूट ए है तो रूट ए गॉन. एक्स इज इक्व टू क्या आंसर आया बोल तेरा, बोल रूट ए इंटू बी बाहर, बोल ये आंसर है. तो तू देख रहा है दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री वन होता है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम डिग्री वन होता है, इसलिए उसका मुझे वैल्यू भी एक ही मिलता है, मतलब एक ही वैल्यू मिलता है ना, कोई एक मिलता है. जैसे इसमें पांच मिला, इसमें रूट ए बी मिला, इसमें दो मिला, इसमें चार मिला, एक ही वैल्यू मिलता है. समझ में आ रहा है? तो देर आर हाउ मैनी जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, सर वन, बिकॉज वॉट इज द रीजन, बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम वन डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम वन डिग्री, सो इट्स जीरो, इट्स मैक्सिमम जीरो विल बी वन ओनली. ठीक है, इस पर डिपेंड होता है भैया. चल 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 चल, तगड़ा वाला क्वेश्चन एक और ले लेता हूं. रूट थ्री एक्स माइनस नाइन फाइंड जीरो, चल रूट थ्री एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन, एक्स इज इक्वल टू भैया थ्री, नाइन मतलब थ्री इंटू थ्री, और ये रूट थ्री नीचे जाएगा, ये रूट थ्री नीचे जाएगा. इस थ्री को खाली लिख दो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और ये थ्री ओसे का ओसा, और एक नीचे रूट थ्री तो था, रूट थ्री गोन, बोल थ्री रूट थ्री तेरा आंसर है. कोई तफलीक, नो तफलीक, है ना. हाँ चल ठीक है भाई, एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं. पी ऑफ वाई इज इक्व टू टू वाई माइनस एट फाइंड जीरोस. हाँ तो वाई के टर्म में पॉलिनोमियल है तो इसलिए पी ऑफ वाई दिया है भैया, टी के टर्म में होता तो पी ऑफ टी देते. तो टू फाइंड जीरोज
टेक पी ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, बस हो गया काम तमाम। टू वाई इज इक्वल टू एट, माइनस एट सामने गया ना, एट अपॉन टू हो गया तो फोर तेरा आंसर है। बोल, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होता है, तो आंसर है वन, एक ही जीरो होता है क्योंकि उसका डिग्री वन होता है। बोल समझ में आ रहा है। ऐसा ही हम चलो दूसरे पेज पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने का ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ दिख रहा है सर, है ना, जीरो फाइंड करना है। तो सर किसी में भी टू फाइंड जीरो, टिक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, बहुत अहम बात है दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, याद आया कुछ? अरे झंडू बाम, इससे नेक्स्ट जो फैक्टराइजेशन मैंने भेजा था वो इसके लिए था दोस्त, इसके आगे गई तू वीडियो फैक्टराइजेशन देख, पागल ली मैं, खोटी खोटी गांडा जी मजूरी नहीं करा तो ले तुमने। ये है बोल एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, इसका इसका जीरो फाइंड करना होगा। तो सर पहला उसे का उसा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लस फिफ्टीन भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कौन है भैया, एट एक्स। तो एट एक्स को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है, तो सर सीखा तो है लास्ट फैक्टराइजेशन में, फाइव थ्री जा फिफ्टीन हो गया मल्टीप्लीकेशन करने से, और एड करने से फाइव एंड थ्री एट हो गया। यहाँ पे साइन कैसे रखोगे, प्लस प्लस प्लस। देख भाई जो बच्चे वो फैक्टराइजेशन वाला नहीं देखेंगे वीडियो और यार डायरेक्ट आएंगे तो लोचा होगा, फिर मैं इसमें भी बाद में वापस समझाने बैठूं तो यार क्या मतलब इसका, है ना। तो फैक्टराइजेशन देख और फिर इसमें आ। अब ये कॉमन निकाल, एक्स कॉमन एक्स प्लस फाइव, इसमें थ्री कॉमन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों सेम आने चाहिए ध्यान रखना है, एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। प्लस फाइव मतलब सामने माइनस फाइव हो गया और प्लस थ्री मतलब सामने माइनस थ्री हो गया। बोल कितने जीरो आए, टू आए। अब तू रीजन बोल क्यों दो जीरो आए। सर दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट हैज मैक्सिमम टू डिग्री, उसका मैक्सिमम पावर कितना है, दो, इसके दो जीरो आते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम टू जीरोस, मैक्सिमम टू जीरोस। समझ में आ रहा है ना। बोल दोस्त करते हैं, बोल क्या बोलता है तू। एक अच्छा एक एक दो क्वेश्चन क्या, नहीं चल एक और करवाता हूं फिर तेरे को क्वेश्चन देता हूं। चल फाइंड दी जीरोस। ओ सर इट्स वेरी इजी, यू नो एक्स स्क्वायर ओसे का ओसा टू ओसे का ओसा जीरो, थ्री एक्स का टुकड़ा कर भैया, टू वन जै टू, आगे मल्टीप्लीकेशन करने से टू वन जै टू और ऐड करने से हो गया थ्री कि नहीं हुआ, प्लस प्लस प्लस। मैं फिर से बोल रहा हूं फैक्टराइजेशन वाला नहीं देखेगा तो फिर बोलेगा सर क्या बकवास वीडियो बनाते हो, हमको तो समझ में नहीं आया। तो कैसे आएगा रे बबुआ, तुमका पहला हम इसीलिए फैक्टराइजेशन करवा दिया हूं कि जिससे पार्ट फोर में मुझे मगजमारी नहीं करना पड़े चालू लेक्चर में, इसलिए भैया प्लीज मेहरबानी करके फैक्टराइजेशन देखिएगा, पता चल रहा हूं कि नहीं, ठीक है चला जा। अब देख इसमें कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ पे वन एक्स है और यहाँ पे टू है, लेकिन हम जानते हैं सर टू के साथ वन तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होता ही है। तो देख वन और वन कॉमन, एक्स प्लस टू बचा, तो ये एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो है ना, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो के साथ एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ये जीरो के साथ, ठीक है। हाँ भाई जीरो इंटू जीरो कर ले बोल, अब ये एक्स प्लस टू इज जीरो के साथ गया, एक्स प्लस वन इज जीरो के साथ गया, क्या यार तू, प्लस टू सामने गया माइनस टू हो जाएगा, प्लस वन सामने गया माइनस वन हो जाएगा। बोल क्या बोलता, कितना इजी काम, जबरदस्त ही गयू के नहीं आप। एक क्वेश्चन और, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन,
चलो वे फाइंड दी जीरोज ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। सर आप, हाँ हाँ क्या मजा आ गई सर। दोस्त ये फिक्स है तेरा बोर्ड की एग्जाम में, फिक्स है। तू देखना एक आधे तेरे को ऐसा देखने को मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक वाला, जल्द से कर। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस बोलना हो भाई। चलो भाई निकाले कॉमन। टू कॉमन एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स प्लस सेवन कॉमन हो गया, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये तो खुद समझदार है। बोल, डन है क्या? बोल रहा नहीं बोल रहा, हल्ला बोल। चल भाई, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माहे अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। चल ये हो गया। हाँ ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। हाँ अब बोल, अब इससे काम होगा ही नहीं। स्क्वायर वाला है, क्वाड्रेटिक ही है, पहचानता है तू, है ना? लेकिन ये इससे अब काम होना नहीं है क्योंकि तो एकदम इजी हो गया सर। एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर तो हो सकता है, वन को वन का स्क्वायर लिख सकता हूं। तुझे याद है कुछ फंडा? याद हो तो रे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो तू क्या करता है? एक बार प्लस एक बार माइनस, ये मेथड है कि नहीं? तो देखिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है तो एक बार प्लस एक बार माइनस इज इक्वल टू जीरो। बोल समझ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक बार प्लस एक बार माइनस में, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। प्लस वन को सामने ले जाऊंगा माइनस वन, माइनस वन को सामने ले जाऊंगा प्लस वन। ये तेरा एंसुर है। बोले एंसुर कैसा? चल ये तगड़ा हूं, और इसका जीरो फाइंड करना है। अरे सर, टेक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, थ्री है ना, थ्री को रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। बराबर सर, बिल्कुल राइट। अब बोल, स्क्वायर वाली मेथड है ये, ऊपर बोला था ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस टेन टन 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 टू जीरो एंड एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये तेरा एक्स प्लस रूट थ्री है सामने माइनस रूट थ्री हो जाएगा, और ये माइनस रूट थ्री है सामने प्लस रूट थ्री हो जाएगा। बोल है इजी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? चल मैं एक अभी क्वेश्चन देता हूं तुझे। हाँ यहीं पे दे देता हूं, लिख ले। चल इसका मुझे कमेंट में तुझे आंसर लिख के भेजना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स, देखो क्या 18, फाइंड जीरोस। इसका आंसर तुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो ही वैलिड होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। टन 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 टन, इजी रे आ जाएगा तेरे को। चल अब एक सेकंड रुक, दूसरा पेज ले। चलिए अभी हम इस पॉलिनोमियल का बात करते हैं। सर देख के ही पता चल रहा है मैक्सिमम पावर थ्री है, मतलब ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है। हाँ कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे? बोल, टू फाइंड जीरोज टेक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। हो गया, तू देख सकता है क्यूबिक में एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन निकल रहा है, एक्स माइनस वन बचा यहां से। भाई एक्स के पास भी दोनों में से कॉमन कुछ नहीं, मतलब एक्स के पास मल्टीप्लीकेशन में वन तो होगा और वन के पास भी मल्टीप्लीकेशन में वन तो होता ही है, तो माइनस वन कॉमन लेता हूं तो एक्स बच गया। अब मैंने आपको बोला फैक्टराइजेशन चला है उस टाइम, माइनस कॉमन लेते हैं तब जो प्लस होता है अंदर का साइन वो माइनस हो जाता है, या माइनस होता तो प्लस हो जाता है। बचा क्या? वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन फिर से कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। समझ रहा है बात को? ओके, एक्स माइनस वन इसको सॉल्व कर सकता है तो दोस्त? हाँ अभी तो किया ना सर, इसके रिसेंट पहले ही पेज पे हमने किया है सर, याद है आपको कुछ? हाँ वीडियो घुमा, वीडियो घुमा, हीरा देख, हीरा भी मैंने करवाया है।
फाइन तो करवाया अभी मैंने, है ना। तो वो ही तो यहाँ पे आया है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये तो बाजू में चलता ही रहेगा भैया। अब इसको क्या करें, एक बार प्लस लिखे एक बार माइनस लिखे इज इक्वल टू जीरो। अब बोलो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दिस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दिस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। माइनस वन सामने जाएगा तो प्लस वन, प्लस वन सामने जाएगा तो माइनस वन, माइनस वन सामने जाएगा तो प्लस वन। बोल कितने जीरोज आए सर? थ्री। वाई दिस कॉल अ वेरी डी? क्योंकि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम डिग्री थ्री है, सो इसके मैक्सिमम कितने आ पाएंगे, मैक्सिमम कितने आ पाएंगे, थ्री आ पाएंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल कितने आएंगे, सॉरी जीरो कितने आएंगे, थ्री आ पाएंगे। जैसे कि एक ऐसे दिया हो खाली तो फाइंड जीरोज। हाँ एक तुझे ऐसे दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड जीरो। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब बन जाए का है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो। बोलो आगे कि नहीं, एक्स की तीन वैल्यू आई जीरो जीरो, तीनों एक्स की वैल्यू जीरो जीरो आई, सेम हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। बोल का है, समझ तो है, एक और दू क्या? वो कमेंट बॉक्स वाला भूलना नहीं हो दोस्त। हाँ वो देखता हूं तेरी ताकत, देखता हूं तू कितना समझता है, ठीक है। चल लास्ट आने दे, पोज कर वीडियो को और ट्राई कर अपने आप से, पोज कर वीडियो को भैया, अपने आप से ट्राई कर। चला जा, चल निकाल, कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस फोर बच रहा है, कॉमन क्या है, माइनस फोर, एक्स माइनस फोर बच रहा है, एक्स माइनस फोर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देख दोस्त, एक्स माइनस फोर तो ऐसे कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ना वो मुझे दिख रहा है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, फोर को टू का स्क्वायर। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, समझ रहा कि नहीं। एक्स माइनस फोर इज इक्व टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इज इक्व टू जीरो एंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब बोल एक्स इज इक्वल टू फोर, हाँ इसका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्व टू माइनस टू और ये माइनस टू सामने जाएगा तो प्लस टू। बोल क्यूबिक के तीन आए पॉलिनोमियल्स, तीन आए जीरोस। तो ये दोस्तों बातें हैं सारी की सारी, मैं बोल सकता हूं शॉर्ट में, शॉर्ट में फंडा फोकस दूं तुझे, लीनियर पॉलिनोमियल होता तो उसका कितना जीरो, मैक्सिमम वन जीरो, हाँ नंबर ऑफ जीरो वन, एक वैल्यू आती है, एक ही वैल्यू आती है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का। भाई मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, दो से ज्यादा कभी नहीं होंगे जीरोस, दो से ज्यादा कभी नहीं होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो मैक्सिमम थ्री जीरोज होते हैं, और बाय क्वाड्रेटिक होता तो मैक्सिमम फोर जीरोज होते हैं। समझ में आ रहा है, मैं ये बोलता हूं कि कोई ऐसा इक्वेशन है मेरे पास, कोई ऐसा पॉलिनोमियल है, अ पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज एन, इफ आई हैव अ पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री एन, एन डिग्री है मैक्सिमम, तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, मैक्सिमम एन जीरोज होंगे दोस्त, समझ रहा है तू, है ना। चल फिर आगे एक था मालूम, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, मैंने पार्ट टू में करवाया था, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री जीरो होता है, तो इसके एक भी जीरो नहीं होंगे, नो जीरोज, ठीक है, इट हैज नो जीरोज, जीरो जीरोज मतलब नो जीरोज, समझ में आ रहा है पूरा। तो जिसका जितना डिग्री होता है, एक बार पूछा था एमसीक्यू बोर्ड में भी, एक पॉलिनोमियल है उसका, अ पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम टू एन वन प्लस डिग्री, टू एन प्लस वन डिग्री, सो हाउ मैनी जीरोज, हाउ मैनी मैक्सिमम जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल कैन बी टेकन,
बोल, जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री इतना हो उसके जीरोस कितने होंगे? सर आंसर 2n+1 जीरोस होंगे। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 100 है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 100, समझ रहा है? तो ये है पूरा चक्कर जीरोस का। बोल, कोई डाउट? चल दोस्त, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स वाला जो सम बोला है वो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई दिक्कत हो तो आप फोन कीजिएगा, मैं इसका PDF आपको भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर भेज रहा हूँ, बाकी तो बढ़िया एकदम तगड़ा है। चल, माही मैनू छड़ेयो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगना। नेक्स्ट टाइम गीत पूरा गाएंगे, ठीक है? चल, बाय बाय, टेक केयर।